नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और वक्त है खबरों का। 2023 विधानसभा चुनाव से पहले रीवा के उन रहवासियों को बड़ी राहत मिलने जा रही है जो लंबे समय से अपनी कॉलोनी को वैध होने का सपना देख रहे थे। नगर निगम में रीवा शहर की 121 अवैध कॉलोनियों में से प्रथम चरण में 40 अवैध कॉलोनियों को वैध करने की कवायद तेजी से शुरू हो गई है, जिसके बाद बची हुई 81 नई अवैध कॉलोनियों को वैध करने की प्रक्रिया एक महीने में अनेक चरणों में पूरी कर ली जाएगी। इसके लिए संबंधित क्षेत्र के भवन अधिकारी, भवन निरीक्षक और पटवारी मौका मुआयना कर प्रकरण तैयार कर रहे हैं। प्रक्रिया को इस माह के अंत तक अंतिम रूप दे दिया जाएगा। नगर निगम के कार्यपालन यात्री एसके चतुर्वेदी का कहना है कि हमारे रीवा शहर में नगर निगम अंतर्गत 121 अवैध कॉलोनियां वैध हो जाएंगी। अवैध कॉलोनियों को वैध करने से पहले नगर निगम के अधिकारी उन कॉलोनियों को सूची में शामिल करते हैं जिनमें सड़क, सीवर, पानी और बिजली जैसी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध हों। इसके बाद शेष सुविधाओं के लिए एस्टीमेट बनाकर विकास शुल्क का निर्धारण किया जा रहा है। यह विकास शुल्क इन कॉलोनियों के रहवासियों से भवन निर्माण मंजूरी के दौरान वसूल किया जाएगा। साथ ही जो मकान बन चुके हैं उनके समझौता शुल्क के साथ उक्त शुल्क भी वसूल की जाएगी। हमारे बाद में लगभग 5 कॉलोनियां हैं जहां कुछ 250 घरों की बस्ती है, कुछ 100 घरों की बस्ती है, कुछ 300 घरों की बस्ती है, वो अवैध कॉलोनियों में जी। अभी तक रीवा शहर की बात तो न कर पाएंगे, पर अपने वार्ड की बात बता पाएंगे। अभी हमारे वार्ड में ऐसी कोई प्रक्रिया लागू नहीं हुई है जिसमें वैध कॉलोनियाँ घोषित हो सके, और हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं कि हमारी वार्ड की कॉलोनियाँ वैध हों। इसलिए वैध हों कि उनको मूलभूत सुविधाएँ नहीं प्राप्त हो पा रही हैं, तो हम लोग संघर्ष में क्रांति में लगे हुए हैं। अभी 18 तारीख को भोपाल भी जाना है, इसी मुद्दे में भोपाल में मुख्यमंत्री जी से डायरेक्ट बात भी करना है कि अवैध करने का क्या वो है। अभी नहीं हुई सर, सरकार से हम यही मांग करते हैं कि हमारी जो कॉलोनियाँ हैं अवैध कॉलोनियाँ, उनको वैध किया जाए और जल्द से जल्द किया जाए। सिर्फ घोषणाएँ भर ना करें, कुछ काम भी करके दिखाएं जमीनी स्तर पे, जो जनता परेशान ना हो पा रही। सर एक भी नहीं हो पा रही है ना, तो अभी रोड बन पाई है ना, नाली है ना, लाइट है, कुछ नहीं। रीवा नगर निगम कार्यपालन यात्री एसके चतुर्वेदी का कहना है कि सरकार की मंशा के अनुरूप हमने अवैध कॉलोनियों को वैध करने के लिए तेजी से काम करते हुए पहले सूची जारी कर दी है। इसके साथ ही दूसरी सूची पर काम शुरू हो गया है। हम जल्द ही दूसरी सूची भी जारी करेंगे। हमारा प्रयास है कि हम एक माह में वैध करने योग्य सभी कॉलोनियों को वैध करने की प्रक्रिया पूरी कर दें। इसमें प्रमुख रूप से शारदा कॉलोनी, कौशल्या कॉलोनी, कामेश्वर कॉलोनी, प्रेमवती कॉलोनी, ढेकहा कॉलोनी, उपवन नगर 1 कॉलोनी, उपवन नगर 2 कॉलोनी, विभीषण नगर कॉलोनी, उपवन नगर 3 कॉलोनी, अजगरहा कॉलोनी, नरेंद्र नगर कॉलोनी, बजरंग कॉलोनी सहित अन्य शामिल है। नगर पालिका निगम रीवा क्षेत्र अंतर्गत 130 नग अवैध कॉलोनियाँ चिन्हित हैं। ये अभी जो है 2022 में शासन द्वारा जो है अवैध कॉलोनियों को नियंत्रण करने के लिए गाइडलाइन जारी की है, उसी परिपेक्ष में जो हमारी अवैध कॉलोनियाँ हैं उन्हें नियंत्रण करवाई हम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है इन कॉलोनियों को वैध करने के लिए जो डेवलपमेंट चार्ज काउंट होगी निकलेगी, और उस डेवलपमेंट चार्ज का जो है 50% राशि जो है हम आपके जो विकसित क्षेत्र माने कॉलोनी के निवासियों से लेंगे, और 50% राशि जो है नगर पालिका निगम रीवा वहन करेगी। जिन नियमों को सरलीकरण किया गया उसमें कहा यह गया है कि तत्काल जो है अवैध कॉलोनियों का प्रकाशन कराएं, आप दावा आपत्ति उनसे प्राप्त करें, दावा प्राप्त करने के पश्चात कॉलोनियों का लेआउट प्लान तैयार करें और डेवलपमेंट चार्ज की गणना करके अविलंब जो है ये सुविधा जो है उपलब्ध कराई जाए। देखिए, नगर पालिका निगम रीवा द्वारा अपनी कॉलोनियों को वैध करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा के पश्चात कार्रवाइयाँ प्रारंभ कर दी है और उनका प्रारंभिक प्रकाशन भी कराया जा चुका है। कॉलोनियों को नियुक्तिकरण करने के लिए उसका अंतिम प्रकाशन भी अभी हम लोग नगर पालिका निगम द्वारा विगत 1 सप्ताह पूर्व किया जा चुका है। इस तरह जो है ये अंतिम प्रकाशन के पश्चात हम उसका लेआउट प्लान तैयार करेंगे, राशि की गणना करेंगे। राशि की गणना मैंने जो आकलन भी किया गया है लगभग 92 रुपये प्रति वर्ग फुट के हिसाब से कास्ट डेवलपमेंट से चार्ज की आएगी। इस डेवलपमेंट में सड़क बनाना, नाली बनाना, पार्क बनाना, स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था करना आदि जो है डेवलपमेंट चार्ज जुड़ा हुआ है। ये जो अवैध कॉलोनियों में ये मकान बने हुए हैं तो नियमितीकरण कराने के लिए उनके जो प्लाट एरिया के मुताबिक उनका जो राशि की गणना करके हम डेवलपमेंट चार्ज लेंगे,
और इसके अलावा जो हमारी अन्य शुल्क जो लिए जाने का शासन के गाइडलाइन के अनुसार प्रावधान है। हम आपको बता दें कि पिछले विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा सरकार ने प्रदेश की सभी अवैध कॉलोनियों को वैध करने के आदेश दिए थे। यह शर्त थी कि वैध होने वाली अवैध कॉलोनी 31 दिसंबर 2016 के पहले बसी हो, साथ ही एक निर्धारित प्रतिशत में यहां बसावट भी हो गई हो। लेकिन कानूनी पेच में फंसने के कारण यह मामला लटक गया था या फिर लटकाया गया था, क्योंकि शहर की अवैध कॉलोनियों को वैध करने का काम कछुआ की चाल से चलाया गया था। नगर निगम ने इसके लिए बीते कई वर्ष पहले कार्रवाई शुरू की थी, लेकिन सर्वे दावे आपत्ति एस्टीमेट बनाने के बाद भी वैध नहीं हो पाई थी। अब एक बार फिर से 2023 मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव सामने आने पर सूबे के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने चुनावी पुलाव तैयार करना शुरू कर दिया है, जिसको लेकर मंदसौर के दौरे के दौरान मुख्यमंत्री ने मध्य प्रदेश के 413 शहरों की अवैध कॉलोनियों को वैध करने की घोषणा की है। घोषणा तो होती है, लेकिन आगे चलकर जब ये विधानसभा चुनाव जीत जाते हैं तो कुछ ही दिनों में कानूनी पेच फंसाकर मामले को लटका दिया जाता है। फिर इनको याद तब आता है जब आगामी विधानसभा चुनाव जीतकर इनको अपनी सरकार बनानी होती है। अब देखना यह है कि सिर्फ चुनावी पुलाव है या फिर कुछ सत्ता भी है।